हेलो दोस्तों, निकल जाने किचन में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं बनाने वाला हूँ देसी भिंडी। ये भिंडी जो है ना बहुत कम मिलती है, तो इत्तफाक से क्या हुआ कि मैं ऑफिस से आ रहा था तो आते आते मेरे को भिंडी मिल गई। देखिए भिंडी लंबी है और थोड़ी सी लाइट ग्रीन है और खाने में तो लाजवाब टेस्ट है, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बढ़िया टेस्ट है। और ये भिंडी को आप बनाएंगे ना तो भिंडी को दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, या तो गोल काट के बना सकते हैं या लंबा काट के बना सकते हैं। और जनरली जब हम सफर करते हैं, लंबा सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, तो ये भिंडी की सब्जी आप बना के ले जाएंगे टिफिन में तो ये बिगड़ेगी भी नहीं और आप एक साथ पराठा हो गया, रोटी हो गया, पूरी हो गया, कुछ भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज देसी भिंडी की सब्जी। तो मेरे स्टाइल में आप सब्जी बनाएंगे ना तो ये सब्जी भाई उतनी टेस्टी बनेगी कि आप मेरे को बार बार याद करोगे। तो उसको लंबा लंबा काट लेना है, तो लंबा लंबा काटना थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंज है, तो पता नहीं आपके लिए चैलेंज है कि नहीं है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं इस प्रकार से लंबा लंबा काट रहा हूँ उसको। तो लाइफ के अंदर देखिए चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हर एक चैलेंजेस को सामना करने की हमारी हिम्मत होनी चाहिए और हर एक चैलेंज का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही होता है। तो जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि हर एक रेसिपी के साथ एक सक्सेस रेसिपी मैं आपको जरूर बताऊँगा, तो आज भी सक्सेस रेसिपी बताऊँगा, लेकिन आप एक मेरे को वादा करेंगे कि मेरा वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो ही मैं आपको सक्सेस रेसिपी बता पाऊंगा, लाइफ के सक्सेस रेसिपी और हमारे चैलेंज के सक्सेस रेसिपी। देखिए चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हमारे को दिमाग में चैलेंज डोमिनेट नहीं करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन डोमिनेट करना चाहिए। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही होता है, तभी प्रॉब्लम आती है। और जब तक प्रॉब्लम नहीं आती है, जैसे कहते हैं ना कि छांव का महत्व जब तक नहीं आता है, जब तक कि धूप की तपन नहीं लगती है, तब हमें उस पेड़ की छांव के अंदर जो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तब हमें लगता है कि पेड़ का भी महत्व मालूम चलता है और छांव का भी महत्व मालूम चलता है। इसीलिए लाइफ में दुख और सुख का महत्व जब भी मालूम चलता है, जब दुख आते हैं तब सुख का महत्व मालूम चलता है। अगर ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो लाइफ भी नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार से चैलेंजेस आएंगे तो चैलेंजेस का आप सामना ईजिली कर सकते हो। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि कुछ अफर्मेशंस है, हम लोग अपने आप को बहुत नेगेटिव गिनते हैं कि भाई मैं वर्दी नहीं हूँ, मेरे को लोग बाग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या मैं तो पैसा कमा ही नहीं सकता हूँ, या मैं तो पैसा कमा नहीं सकती हूँ, या मेरे से ये काम हो नहीं सकता है। तो जैसे आपको जो भी कार्य करना हो, फॉर वेट लॉस करना हो, कुछ भी करना हो, तो आपको अफर्मेशंस लिखने पड़ेंगे। अफर्मेशंस जो है, बहुत सारे अफर्मेशंस आते हैं, आई एम वर्दी, आई एम पावरफुल, आई कैन फेस एनी चैलेंजेस, आई एम ए ग्रेट लीडर, आई एम ए ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड एंड वॉट एवर चैलेंज यू आर फेसिंग, यू हैव टू राइट इट ऑपोजिट। सपोज आप टीम मैनेज कर रहे हो, टीम को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो आपको लिखना है थैंक यू वेरी मच गॉड, आई एम ए ग्रेट लीडर एंड यू हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ पावर टू मैनेज माई टीम वेरी इफेक्टिवली एंड माई टीम इज प्रोड्यूसिंग ए ग्रेट रिजल्ट। ये अफर्मेशन आपको लिखने हैं, ये अफर्मेशन आपको रोज लिखने हैं और रोज लिखने हैं और इसी सोच के साथ आपको जीना है, इसी सोच के साथ उठना है कि मैं ग्रेट लीडर हूँ, मैं ग्रेट विजनरी हूँ, मेरी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और मेरी टीम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है और मेरी टीम बहुत अच्छा रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रही है, मेरी टीम हाईली प्रोडक्टिव है। क्योंकि जो सोच है ना हमारी, उसी हिसाब से आपकी लाइफ बन जाती है। तो जब भी कोई डिफिकल्टी आए, जब भी कोई नेगेटिव चीज़ आए, तो उसको कैंसिल करके चेंज करिए, एक अपने आप को न्यू बनाइए, आप न्यू पर्सनैलिटी बनाइए, न्यू पर्सन बनाइए। तो न्यू पर्सन बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, उसके लिए कुछ मेडिटेशंस भी होते हैं, तो मैं अगले वीडियो में वो भी बताऊंगा मेडिटेशंस। देखें यहाँ पर हमने प्याज काट लिए लंबे लंबे और आलू भी काट लिए हैं, तो आज मैंने अफर्मेशंस के बारे में बताया। और अफर्मेशंस के बारे में जो भी सब्जेक्ट, करियर पे, मनी पे, हेल्थ पे, मेंटल इशू पे, सब अफर्मेशंस आप गूगल में डालेंगे, सब जगह गूगल में आपको ईजिली मिल जाएगा। तो अफर्मेशंस हमारी लाइफ में क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब हम कोई बीज जमीन में बोते हैं और बोने के बाद उसका हम केयर करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, रेगुलर पानी डालते हैं, वही अफर्मेशंस हमारे भी लाइफ में काम करते हैं। अगर आपने कोई लक्ष्य को पकड़ा हुआ है, उस लक्ष्य को याद करते हुए अफर्मेशंस करेंगे तो लक्ष्य को पूरा हो जाएगा। जैसे लक्ष्य है तो हमने पौधा बोया है, तो जैसे हम खाद पानी उसके अंदर सब कुछ डालते हैं, उसका टेक केयर करते हैं, इसी प्रकार से आपने कोई लाइफ के अंदर लक्ष्य है या कोई गोल का पौधा बोया है अपने दिमाग में, तो उसका अफर्मेशन जो है वो आपको खाद का काम करता है, अफर्मेशन आपको सपोर्ट का काम करता है और अफर्मेशन से आप और पावरफुल बनते जाते हो, क्योंकि जो सोचोगे वहाँ पहुँचोगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ हमने प्याज डाल दिया है, इसी प्रकार से कहते हैं मंत्र का भी बहुत प्रभाव होता है, जैसे ओम नमः शिवाय बोलते हैं उसका भी प्रभाव है। क्यों प्रभाव है? क्योंकि हम पॉजिटिविटी वो क्रिएट करता है। आप मंदिर में आते हैं बहुत अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मंदिर में एक पॉजिटिविटी होती है,
मंदिर में अगर आप आरती अटेंड करते हैं बहुत अच्छा लगता है आपको, आप मंदिर में मंत्रोच्चारण होना बहुत अच्छा लगता है आपको, कभी आप जाइएगा और ये अनुभव करिएगा और कमेंट भी लिखिएगा कि आप मंदिर जाने के बाद आपको कैसा लगता है। यहाँ देखिए आलू को मैंने बेसन लिया था, बेसन में मसाले डाल दिए थे, आपने देख लिया था, मसाले में मैंने भिंडी भी डाल दी और आलू भी डाल दिया, तो क्या होता है भिंडी जल्दी चढ़ जाती है, पहले मैंने आलू को डाल दिया कि आलू को मैं प्याज का थोड़ा पका लूँ, उसके बाद मैं भिंडी डालूंगा। और ये पूरी सब्जी जो है ना मैंने स्लो गैस पे पकाई है, इसको तेज आंच पे नहीं पकाना नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। और बेसन का मसाला जैसे मैंने बनाया ऐसा अगर आप मसाला बनाएंगे तो टेस्ट भी भाई वैसे ही आएगा। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सक्सेस की रेसिपी मैं आपको बताता जाऊँगा, तो यहाँ पर अपना यह आलू डाल के आपको 4-5 मिनट स्लो गैस पे इसको पकने देना है। तो इसमें हाफ कप आलू जब हो जाएंगे उस स्टेज पे हमने जो हमारे जो भिंडी है जो मैंने बेसन में बिल्कुल एकदम लपेट के रख ली थी, अब हमारे को सब भिंडी को यहाँ पर डाल देना है। और भिंडी को डालने के बाद आराम से धीरे धीरे चम्मच से हिलाना है, ये देखिए तो पूरी मिक्स हो जाएगी ये। और इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि ये बेसन भी है और भिंडी है, तो थोड़ा तेल पीती है तो मैंने तेल उसी हिसाब से लिया था, तो तेल लगभग मैंने 4-5 चम्मच लिया था। आप तेल कम खाते हो तो कम तेल में भी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नमक और मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए भाई इसके बाद हमारे क्या करना है, ये देखिए मिल गई है, कलर भी आप देखिए कितना ऑसम कलर आ रहा है, खुशबू भी बहुत ज़ोरदार आ रही है। सिंपल मसाले हैं और मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी है जिससे कलर आएगा और तीखापन थोड़ा कम रहता है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च में। तो इस स्टेज पे हमारे को इसको नमक भी मैंने डाल दिया जिससे कि ये पक जाए, नमक मैंने 2 स्टेज पे नमक डाला हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, ये नमक डालने के बाद में इसको ढक्कन से ढक देना है और कम से कम इसको स्लो गैस पे 7-8 मिनट तक पकाना है, उसके बाद ये सब्जी भाई हमारी बनके रेडी होगी। स्लो गैस पे बनाना है और कई बार स्लो गैस पे अगर लगता है कि जल जाए तो नीचे तवा रख दीजिए, रोटी बनाने का तवा है ना, और तवे के ऊपर इसको रखिएगा और फिर आप ढक्कन से ढक दे, देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बन गई। ये देखिए एकदम बिल्कुल एकदम जैसे बताना ना मक्खन की तरह, बिल्कुल आप खाएंगे दिल खुश हो जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आप मेरी रेसिपी को बहुत लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं और मेरे सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ रहे हैं आप लोगों की वजह से। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि अगला वीडियो कौन सा बनाऊँ, और अपना कमेंट करते समय अपना नाम और कौन से शहर से है, कौन से जिला से है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, वो नाम जरूर दिखेगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।